अरे वाह, दयान आ रहे हैं आज, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलो इसी बहाने हम उससे भी मिल लेंगे, और मैं बॉबी को भी खास तौर पे तुम लोगों से मिलवाने के लिए आई हूँ। ये भी 3-4 साल बाद आया है। मैंने सोचा कि मेरी और निम्रा की इतनी पुरानी दोस्ती है और हमारे बच्चे आज तक मिले ही नहीं, मिलना चाहिए ना। जी बिल्कुल। वो लोग आ गए। तुम्हारे लिए नहीं थे। नहीं नहीं, मुझे आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू सो मच। अब मुझे आपके घिसा पिटा प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मैं चाहता था यार कि एयरपोर्ट पे बाहर मेरा इंतजार करती खड़े होके, वहां से मुझे वेव करती, उछलती कूदती, लेकिन नहीं, इन्होंने तो सब भूल जाना है। सिर्फ 2 साल में सब भूल गई। मामा देखे ना, इसको मैं इतना इंतजार कर रही थी इसका। नहीं आप ना कीजिए, क्योंकि मुझे आपसे बात नहीं करनी, प्लीज को समझा देना। मामा देखे इसको यार, दाई। नहीं सॉरी, दाई रुको यार। मुझे नहीं बात करनी भाई, तुम जाओ यार। अरे ये क्या बदतमीजी है। अम्मा बात देखे ना, ऐसे 2 साल अमेरिका में पढ़ के भी धेली की अकल नहीं आई इसे, बिल्कुल कोरे वापस आए हो तुम। मैं कितनी बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी अम्मा। क्या हो गया यार, ये कैसी हिमाकत है? I was just kidding. नहीं प्लीज यार, I'm sorry यार, अब आप ही समझाएं। अच्छा बच्चू, अब पता चला कौन हारा कौन जीता? हाँ ये क्या है, ये हारा कौन जीता? I'm so sorry. I'm extremely sorry. असल में जब जरूरत से ज्यादा खुशी मिलती है ना, तो ऐसा ही होता है। तो क्या आपकी जरूरत से ज्यादा खुशी? जी ये है दयान, मेरा प्यारा भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाय। हेलो। पहली दफा मुझे कमी का एहसास हुआ है। एक्चुअली मैं अकेला हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन इनकी तारीफ कौन है? अस्सलामुअलैकुम। तुम बॉबी हो ना शायद? जी। अरे वाह माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया। शकीला आई है कि नहीं? जी आई है, she is right there. अरे वाह भाई वाह, आज हम माँ बेटा तो बहुत ही अच्छे वक्त पे आए। हमारी खुशी तो अलग है। बहुत मुबारक हो बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो हैप्पी टू सी यू। लाइकवाइज। अंदर चले? श्योर। हाँ चले। असल में 2 साल पहले मैं अमेरिका चला गया था, वहां से MBA कंप्लीट किया है। अब क्या इरादा है आपका? कुछ नहीं, अब्बा के साथ उन्हीं के फार्म में उनका बिजनेस संभालेंगे। अच्छा, इसीलिए आप लोगों ने शहर से खासा फासले के ऊपर अपना ये फार्म हाउस बनाया हुआ है? नहीं, असल में अम्मा अब्बा को इस जगह से बहुत मोहब्बत है, वो लोग कभी राजी नहीं हुए इस जगह को छोड़ने के लिए। मैंने और दुआ ने अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कम्प्लीट किया है। खैर अब तो हम लोग को आदत सी हो गई है, लेकिन दुआ अभी भी पढ़ाई कर रही है। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स कर रही हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। इस्लामिक स्टडीज? इस्लामिक स्टडीज ही क्यों? आई मीन फाइन आर्ट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मुश्किल था? या शायद मुझे लगता है पाकिस्तान में वैसे लड़कियां आसान सब्जेक्ट लेने को प्रेफर करती हैं, नहीं? बात मुश्किल या आसानी की नहीं होती मिस्टर मुस्तजा, बात अपने अपने इंटरेस्ट की होती है, और यहाँ पर लड़का और लड़की का डिफरेंस करना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियाँ जहाज भी उड़ा रही हैं। वैसे देखा जाए तो आसानी के लिए आपने भी अपना नाम मुस्तजा से बॉबी कर लिया है, क्यों?